यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजामय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं ही इस धरा पर जन्म लेता हूँ। यह पहले भी होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अब इस श्लोक को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, भगवान श्री हरि विष्णु ने हर युग में अलग अलग अवतार लेकर अधर्मियों का विनाश किया है और इस धरा को पाप से मुक्त किया है। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध करने हेतु उन्होंने वराह और नरसिंह अवतार धारण किया। त्रेता युग में सभी अत्याचारी राजवंशों का नाश करने हेतु भगवान परशुराम और रावण का वध करने हेतु श्री राम अवतार धारण किया। वही द्वापर युग में कंस के आतंक से इस धरा को बचाने के लिए श्री कृष्ण अवतार धारण किया। साथ ही में महाभारत जैसे महाविनाशकारी युद्ध को अंजाम दिया और इस युद्ध के बाद द्वापर युग का अंत हुआ। और इस तरह से सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कुल 9 अवतार धारण किए, जो थे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार। तो ये थी उनके अब तक के 9 अवतार की कहानी। अब आती है उनके दशम अवतार की कहानी, भगवान कल्कि की, जिनके ऊपर कल्कि 2898 एडी मूवी बनी हुई है। जब द्वापर युग का अंत हुआ, तब श्री कृष्ण ने पुनः धर्म स्थापित कर एक नए युग का आरंभ किया, जो है कलियुग, जिस युग में हम जी रहे हैं। और इसी युग का अंत करने के लिए भगवान कल्कि इस धरा पर अवतरित होकर अधर्मियों का विनाश करके इस धरा को पाप से मुक्त करेंगे। अब आता है हमारी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो आपको कल्कि 2898 एडी मूवी के सभी सवालों के जवाब देगा। देखो, भगवान कल्कि इस धरती पर आएंगे ये तो आपको बता दिया, पर इसी के साथ बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, भगवान कल्कि कब अवतार लेंगे, वो कहाँ जन्म लेंगे, उनके माता पिता और परिवार कौन होंगे, वो कैसे कलयुग के राक्षस का अंत करेंगे और आखिर कौन और कैसे होगा कलयुग का राक्षस, ऐसे कई सारे सवाल। और यही सवाल रियल स्टोरी और कल्कि 2898 एडी मूवी की कहानी है। तो अब मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके रोंगटे खड़े होने वाले है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, तब उनके पीठ से एक काले पदार्थ का जन्म हुआ, जिससे राक्षसों के पूरे वंश की उत्पत्ति हुई। और उसमें सबसे पहला राक्षस था कली पुरुष, जो इस युग का मतलब कलयुग का राक्षस है। जब उसका जन्म हुआ तब वो भौतिक रूप में नहीं था और इतना ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं था, पर जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से हलाहल विष निकला। उसकी कुछ बूंदे समुद्र में विराजमान कली पुरुष के मुख में गिरी, जिससे वो जलने लगा और लगभग उसका अंत होने वाला था। पर बाद में जब अमृत कलश निकला, तब देवता और असुरों के बीच हुए अनबन के चलते उसमें से भी कुछ बूंदे कली पुरुष के मुख में गिरी, जिससे वो फिर से ठीक हुआ। पर साथ ही वो सर्वशक्तिशाली और अब तक के हमने जितने भी राक्षस देखे उन सबसे भयानक राक्षस बन गया। पर अभी तक वो अपने भौतिक रूप में नहीं आया, क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में धर्म अधर्म से काफी अधिक था, लेकिन त्रेतायुग से धीरे धीरे अधर्म बढ़ गया और द्वापर युग के बाद उसका खुद का युग आ गया, मतलब आज का कलियुग। और आप अच्छे से देख ही रहे हैं कि पाप किस हद तक बढ़ गया है। और जब यही पाप और अधर्म अपने अंतिम चरण में आएगा, तब कली पुरुष अपने भौतिक रूप में आएगा और मनुष्य पर राज करके उन्हें अपना गुलाम बनाएगा। पर अभी तक पाप अपने अंतिम चरण पर नहीं पहुंचा। पुराणों के अनुसार कुछ भविष्यवाणियां की गई है, जो जब सच साबित होती दिखाई देगी तब समझ लेना कि पाप अपने चरम सीमा पर है। जिनमें से कुछ भविष्यवाणियां मैं आपको बताता हूँ। ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान नहीं होगा, इंसान भगवान की पूजा करना, सभी धार्मिक विधि करना बंद करेगा, जिससे इस धरती से तो भगवान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंसान शैतानों जैसा पाप करेगा और शैतान को ही भगवान मानेगा, यानी कली पुरुष को। ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां है जिन पर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, अभी के लिए बस यही भविष्यवाणियां याद रखो। अब जो भविष्यवाणी आपने सुनी, ये जब सच होने लगेगी तभी सृष्टि की भी हानि होने लगेगी, मतलब धरती से पानी लगभग गायब भी हो जाएगा, हर तरफ सूखा पड़ेगा, लोग पानी के चलते मर जाएंगे, बारिश तो होगी ही नहीं और जो होगी वो एसिड की होगी। और एक कारण बने कि पेड़ पौधे और अन्य जीवों के विनाश का, जो धरती पहले हरियाली, पेड़ पौधे, पानी, अच्छे पर्यावरण के कारण सुंदर दिखती थी, वो आगे विकराल रूप धारण करेगी और अंत के निकट आ जाएगी। पर यह सब होने के लिए काफी टाइम है, क्योंकि पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिनमें से केवल 5,121 साल का ही समय बीत गया है। अभी भी इस धरती पर कुछ अच्छे लोग हैं जिनके कारण धर्म टिका हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि जब पाप और अधर्म बढ़ने लगेगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। इसकी एग्जैक्ट डेट तो मेंशन नहीं की गई, पर पुराणों के अनुसार उनका जन्म वैशाख शुक्ल द्वादशी पर होगा। और इस श्लोक में हमें उनके जन्म स्थान और माता पिता के बारे में पता चलता है। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस प्रादुर्शविष्यति, अर्थात भगवान कल्कि का जन्म संबल गांव में विष्णुश नाम के ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा और उनके 3 भाई होंगे। और आगे जाकर देवी पद्मा, जो कि माता लक्ष्मी स्वरूप,
और देवी रमा माता वैष्णो देवी स्वरूप ये उनकी पत्नियां होंगी। भगवान कल्कि श्रीहरी विष्णु के अब तक के सबसे शक्तिशाली अवतार होंगे। इसका अंदाज आपको इस बात से लग जाएगा कि जहां भगवान विष्णु के श्री राम अवतार 12 गुणों से युक्त थे और श्री कृष्ण अवतार 16 गुणों से युक्त थे, तो वही कल्कि अवतार पूरे 64 गुणों से युक्त होंगे। अब तक के सर्वशक्तिशाली राक्षस कलिपुरुष का वध करने के लिए और उसके अधर्मी इंसानी सेना का सामना करने के लिए जब कल्कि भगवान जन्म लेंगे तब 74,000 लोग भी जन्म लेंगे जो कि महाभारत काल के होंगे, जो फिर से धरती पर आकर युद्ध लड़ेंगे। साथ ही 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे और भगवान कल्कि के भाई भी उनका साथ देंगे। क्या इतना ही नहीं, अब आता है कहानी का एक और महत्वपूर्ण और आखिरी हिस्सा, सात चिरंजीवी। सात चिरंजीवी जो किसी न किसी वरदान किसी न किसी श्राप के चलते आज भी इस धरती पर मौजूद है, जो अपने प्रभु के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी भगवान कल्कि के साथ युद्ध में उपस्थित होंगे, जो है विभीषण, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, अश्वत्थामा, भगवान परशुराम और हमारे महाबली हनुमान। इनमें से भगवान परशुराम खुद भगवान कल्कि के गुरु बनकर उन्हें वेदों का ज्ञान देंगे और शस्त्र विद्या भी सिखाएंगे और भगवान कल्कि अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करके उनसे शक्तिशाली तलवार वरदान स्वरूप प्राप्त करेंगे और अपने श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होंगे। उनके साथ साथ चिरंजीवी, 14,000 सैनिक, 64 धार्मिक गुरु, 8 सैन्य अधिकारी और उनके बंदों को लेकर इस धरा को पाप से मुक्त करने के लिए निकल पड़ेंगे और अंत में कलिपुरुष का वध करके फिर से सतयुग का आरंभ करेंगे। और ये थी भगवान कल्कि, राक्षस कलिपुरुष और कलयुग की पुराणों में लिखी गई कहानी और यही कल्कि 2898 एडी मूवी की भी कहानी होगी, अगर मूवी के डायरेक्टर्स ने कोई चेंजेस नहीं किए हो तो। खैर, मैं कोई मूवी रिव्यू नहीं करता ना कि ब्रेकडाउन करता हूँ, मैं बस जो रियल स्टोरी है जो हमारे पुराणों में लिखी गई है वो आपसे शेयर करना चाहता था। तो बस वीडियो यही तक की थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर भी लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट करना। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक पर एक लॉन्ग वीडियो में।